अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो मेरे दोस्तों, आज मैं यहाँ पे अपनी साइट पे स्विच लगा रहा हूँ। चलिए आज आप लोगों को बताता हूँ कि स्विच लगाने का बेस्ट सही तरीका क्या होता है, क्योंकि स्विच में लोग न्यूट्रल या स्विच सॉकेट में न्यूट्रल कैसे लूपिंग करते हैं, या फेस कैसे लूपिंग करते हैं, अर्थिंग कैसे लूपिंग करते हैं, ये जो है कि कैसे करते हैं, सही सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, ये मैं आप लोग को बताता हूँ। कितने भाई साहब लोग होते हैं ना कि जैसे स्विच में लूपिंग करते हैं, या एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में गया है, दूसरे से तीसरे में गया है, तो एक ही स्विच में जो उसका फेस टर्मिनल होता है उसी में पूरा फेस लूप कर देते हैं। अब उसमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये चीज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। क्योंकि ये चीज जो है ना मेरे दोस्तों, डिप्लोमा जहाँ पे लोग करने जाते हैं ना, डिप्लोमा भी ये चीज नहीं बताते हैं। तो मैं आप लोगों को सीधे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं और समझाता हूं अच्छी तरह से, और आप लोग खुद सोचना कि सही बात है, ये काम सही है या गलत है, ये फैसला आप लोग को करना है, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैंने ये सही किया है या गलत किया है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे, चलिए दिखाते हैं आप लोगों को पूरा स्विच का कनेक्शन। हालांकि मैंने काफ़ी कनेक्शन कर दिया हुआ, तो फिर बाद में मुझे याद आया कि यार इस पे भी एक वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन क्योंकि बहुत से भाई साहब लोग हैं बहुत जो है गलतियां करते हैं। अभी जैसे ये देखिए, हमारा रूम है, ये बड़ी लाइट है, उसके बाद छोटी लाइट है, तो यहाँ पे हमारी कितनी दो स्विच हो गई, एक बड़ी लाइट की, एक छोटी लाइट की, दो स्विच, और ये बीच में झूमर पॉइंट है, तीन स्विच, और ये जो पाइपिंग लाइट होती है चार स्विच, एक उधर दीवार पे हमारी लाइट आएगी, पांच स्विच यहाँ पर हमारी बन रही है। तो पांच स्विच के लिए यहाँ पर हम लेंगे ये दो वाली स्विच और ये तीन वाली, तो तीन दो पांच स्विच हो जाएगी, और ये हमारी सॉकेट है, ये हमारी एसी की स्विच है। तो यहाँ पर हम देंगे एसी की स्विच, यहाँ पर देंगे सॉकेट, यहाँ पे तीन वाली देंगे और यहाँ पे दो वाली देंगे। स्टार्टिंग में हम जो है ये स्पॉट लाइट है इसकी जो है कि यहाँ पर कनेक्शन करेंगे, और बाकी जो जो ये हमारा झूमर बचा और जो वो लाइट बची इसकी हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। स्टार्टिंग में हम लाइट का कनेक्शन करेंगे। अब यहीं पे भाई साहब लोग गलती करते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से देखिए हमारा न्यूट्रल फेस अर्थिंग गया हुआ कहाँ पे, इधर गया हुआ है। अब यहीं से फेस में कैसे हम लुक करते हैं वो चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सही तरीका क्या है। अभी जैसे देखिए ये हमारा जो फेस है, ये हमारा फेस ऊपर से आया है, और यहाँ पर हमने जो है कि अपना फेस लेकर के गया है, तो इसको हमने यहाँ पर देखिए छीला हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा छील लेते हैं। अब कितने भाई साहब लोग होते हैं, ये सॉकेट हमारी है, ये फेस है, ये न्यूट्रल है, ये अर्थिंग है। अब कितने भाई साहब लोग क्या काम करते हैं, ये फेस जो उधर गया है इसमें डाल दिए, ये जो ऊपर आया है इसको भी इसमें डाल दिए, मतलब इसी पॉइंट में डाल देते हैं। अब क्या इससे नुकसान क्या है, ये चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। खुदा न खास्ता कल को आपकी ये जो सॉकेट है ये जल गई, आपको चेंज करना है, और इधर जो ये वाली, इधर ये जो हमारी सॉकेट यहाँ पर भी देखिए हमारी सॉकेट लगी हुई है, ठीक है, अगर जो कल को ये सॉकेट जो है, ये वाली सॉकेट अगर हमारी जल जाती है, इसको हमें चेंज करना है, तो जाहिर सी बात है कि ये कनेक्शन हम खोलेंगे, कनेक्शन खोलेंगे तो ये दोनों वायर हमारा बाहर हो जाएगा, वो भी सॉकेट जो है बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मान ली उसमें कोई काम कर रहा है, वो उसका कंप्यूटर लगा है या टीवी चल रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसकी पूरी लाइन बंद हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि ये जैसे वायर हम छील लिए, अब ये हमारा जो वायर है इसके अंदर हम यहाँ पे मार देंगे ज्वाइन, ठीक है, ये हमने मार लिया यहाँ पे ज्वाइन। अब ये बचा हमारा न्यूट्रल, ठीक है, और ये हमारा एसी, यहाँ पे हमारा आएगा एसी का स्विच, एसी के स्विच में भी न्यूट्रल लगेगा, यहाँ पे एलईडी लाइट दिया हुआ है, इसको जलाना बहुत जरूरी होता है, ये ऑन करेगा तो जलेगा, ऑफ रहेगा तो नहीं जलेगा। ये हमारा फेस हो गया, हमने फेस में ज्वाइन मार दिया। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं टेप, ठीक है मेरे भाई, हमेशा लूपिंग ऐसे ही की जाती है, ये हमने लगा दिया टेप। अब ये बचा हमारा न्यूट्रल, न्यूट्रल भी यहाँ पर देखिए हमने पहले से छील लिया है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे वायर परफेक्ट नहीं आ पाएगा। अब ये एक न्यूट्रल जो हमारा उधर गया है,
और एक न्यूट्रल हमारा इधर ये एसी में आया है, ठीक है। तो ये दो न्यूट्रल हम लेकर के इसको भी यहीं पे ज्वाइन कर देंगे, इसको अच्छी तरह से ज्वाइन कर देंगे ताकि हमारा जो है ना ये स्पार्क ना हो ज्वाइन, इसको बहुत ही अच्छी तरह से मजबूत ज्वाइन करेंगे। ये हमारा हो गया ज्वाइन, ये देखिए इसको भी अच्छी तरह से हम कर लेंगे टेपिंग। ये हमारा हो गया क्लियर, अब इसको हम कर देते हैं। और ये वायर जो है ना, वायर बहुत ही हिसाब से छीला करें क्योंकि कितने भाई साहब है ना ये वायर लगाते हैं तो ये कॉपर देख रहे हैं ना, ये इससे बाहर जो है कि ये निकला रहता वायर, तो कभी भी एक दूसरे में टच हो सकता है। तो इसके लिए वायर हमेशा अच्छी तरह से लगाएं ताकि जो है कि ये कॉपर जो है ना ये बाहर की तरफ ना निकला रहे। ये देखिए, देख रहे हैं हमारा कहीं निकला है तो बताइए। ये नहीं कि मैं ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैं मतलब ऐसा कनेक्शन कर रहा हूँ, जहां पर भी मैं किया हूं मैं अभी पूरा आप लोगों को ए टू जेड दिखाता हूं, तो फिर आप लोगों को समझ में खुद ही आएगा कि काम सही में करने का तरीका क्या होता है। ये हो गया हमारा अर्थिंग का टर्मिनल, ये हमारा अर्थिंग है, अर्थिंग को यहां पर देखिए लगाएंगे, अर्थिंग को अर्थिंग के टर्मिनल में। इस पे लिखा होता है जो एक जहां पे एन लिखा होता है उस पर न्यूट्रल, और जहां पे एल लिखा होता है उस पर फेस, और जहां पे अर्थिंग का मार्क का ई लिखा रहता है वहां पर अर्थिंग आएगा। ये देखिए हमारा फेस न्यूट्रल अर्थिंग हो चुका है, और ये हमारा जो है थ्री पिन सॉकेट हो गई स्विच के साथ में, ये हो गया क्लियर। अब ये बचा हमारा एसी का स्विच, ठीक है। ये एसी का हाफ काट दिए, ये मेन काट दिए, ये न्यूट्रल काट दिए, ये जो है कि अब देखिए इसको पहले छील लेते हैं अच्छी तरह से। छीलने के बाद ये देखिए हमारा एसी का स्विच है, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखिए एल एन एल एन लिखा है, अब ये पे देखिए यहाँ पे लोड लिखा है, लोड का मतलब आउट, और जिस पे फीड लिखा है, किसी पे फीड लिखा होता है, किसी पे इन लिखा होता है, किसी पे एल वन लिखा होता है, यानी ये है जो है हमारा इन पॉइंट, ठीक है। तो इन पॉइंट में हम ये हमारा ब्लू इन पॉइंट है, यानी ये ब्लू हमारा एमसीबी बोर्ड से आ रहा है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे जो है कि पता कि ये एमसीबी बोर्ड से आ रहा है बिना लाइट टेस्टिंग किए हुए। तो मेरे दोस्तों ये देखिए यहाँ पर हमारा स्प्लिट एसी का पाइपिंग हुआ है, ये देखिए ग्रीन ब्लैक तो ये ग्रीन और येलो ये हमारा हाफ है, ठीक है। जिसके लिए ये ब्लू हमारा एमसीबी बोर्ड से आ रहा है। अब ये हो गया इधर एल एल आउट, आउट माने ये हाफ, ठीक है, आउट पॉइंट जिसे आउट पॉइंट बोलते हैं। अब हमने स्विच में ये न्यूट्रल आउट पॉइंट में हमने न्यूट्रल नहीं लेकर के जो एसी का आया, हमने डायरेक्ट यहाँ पे ये जो गस्साम आप देख रहे हैं ना ये हमने यहाँ पर उसको छोड़ करके वहीं पे ज्वाइन करके खत्म कर दिया, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लेकर के आते ना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक बोर्ड के अंदर जो है भीड़ जगह नहीं बचती, इसके लिए हम ऊपर ही उसको जो है कि ख़त्म कर दिए जोड़ के। अब ये न्यूट्रल है ना ये एन पॉइंट में लगेगा, एन इन में, आउट में नहीं लगेगा, ये इन है, क्योंकि ये न्यूट्रल आपका डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट जो है कि न्यूट्रल देंगे तभी लाइट जलेगा, ठीक है। ये देखिए ये हमारा एसी का भी स्विच क्लियर हो गया। अब ये बचा हमारा जो है कि यहाँ पे तीन और दो वाले स्विच, ये जितना वायर ये देखिए हमारा है ना ये स्पॉट लाइट का हमने खींचा हुआ है, तो ये तीनों वायर हम यहाँ पर लेकर के आएंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर कट किए और जो है कि इसको थोड़ा थोड़ा छील लिए। ये हमारा फेस है, अब फेस को भी हम लुक करेंगे ना मेरे दोस्तों, ऐसे नहीं कि ये कट कर दिए, कट करने के बाद जो है कि एक दूसरे में ऐसे डाल के ये स्विच के अंदर दोनों डाल दिए, ऐसा नहीं करेंगे। इसको हम यहाँ पर छीलेंगे, छीलने के बाद यहाँ पर ज्वाइन मारेंगे। अब इसलिए ज्वाइन मारेंगे कि कल को ये स्विच अगर जो हमारी खराब होती है मगर जो इसको निकालते हैं तो ये हमारी लाइन बंद ना हो, समझ गए ना, ये हमारी लाइन बंद नहीं होनी चाहिए, ये चालू रहनी चाहिए। ये हमारा जो है कि फेस पॉइंट है, अगर ये दोनों वायर इसमें स्विच में ही डाल देंगे, ठीक है, तो कल को अगर जो हमारी ये स्विच जल गई तो आप इसको खोल के निकालेंगे
तो जाहिर सी बात है कि ये फेस अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा तो फिर यहाँ की सप्लाई बंद हो जाएगी, तो यहाँ का करंट बंद हो जाएगा, तो फिर पूरी लाइट बंद हो जाएगी। अब इसको यहाँ पे ज्वाइन मारेंगे तो ये स्विच आप कभी भी 24 आवर में कभी भी आप चेंज करें, यहाँ की लाइट बंद नहीं होगी। अब इसको हम फटाफट जो है पहले कनेक्शन करते हैं छील कर। इसको देखिए यहाँ पर छील लेते हैं और ये फेस पॉइंट है, इसको यहाँ पर छीलते हैं और इसको यहाँ पर देते हैं कनेक्शन। हमारा देखिए हो गया कनेक्शन पूरा कंप्लीट। अब इसको यहाँ पर हम कर देते हैं टेपिंग अच्छी तरह से। ज्वाइंट सबसे जरूरी क्या है पता है, कि एकदम टाइट पक्की ज्वाइंट होनी चाहिए ताकि हमारा स्पार्क ना हो। अब ये देखिए ये हम जो है इसको छील लिए यहाँ पर, इसको भी कट करके जो बड़ा वायर है इसको भी छील दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारी आएगी दो वाली स्विच, ये देखिए ये फेस टर्मिनल है, इसको हम डालेंगे फेस में। देखिए कहीं भी हमारा वायर नहीं निकला हुआ है, ये देखिए हमारा फेस में हो गया। अब ये बचा दो हाफ पॉइंट, ठीक है। अब दो हाफ पॉइंट को ये थोड़ा थोड़ा बेंड कर लेंगे क्योंकि उसके टर्मिनल में गैप ज्यादा है, वायर जो है अच्छी तरह से फिट नहीं होगा। ये हो गया हाफ पॉइंट एक यहां पर, इसको टाइट कर देते हैं। बहुत ही आसान है यार, बस तरीके से काम किया जाए तो, बेतरीके से किया जाए तो भाई हर चीज मुश्किल होती है। अब देखिए यहां पर हमारी जो है ये दो वाली स्विच लग के क्लियर हो चुकी, बची ये तीन वाली। अब तीन वाली भी फटाफट लगा देते हैं। और ये चीज आप लोगों को बताएं कि ये जो टर्मिनल होता है ना, ये अंदर से कंपनी की तरफ से लुपिंग होकर के आता है। कोई कोई कंपनी लुपिंग करके देती है, कोई कोई नहीं देती है। उसके बाद ये भी देखिए हमारा यहाँ पर फेस हो गया, यहाँ पे यल लिखा होता है, ठीक है। कभी भी कंपनी जो है ये लिख कर इतना बारीक लिखा होता है, इसे कैमरे में नहीं दिखेगा, यहाँ पे यल है। ये तीन टर्मिनल जो बचा तीन स्विच का, ये तीन हमारा हाफ है, इसको भी थोड़ा थोड़ा बेंड कर लें। ये देखिए हमने बेंड कर दिया इसको, अब इसको भी फटाफट कर देते हैं कनेक्शन। देख लीजिए कहीं भी बोर्ड में कहीं कचड़ पट्टी या घान हुआ, पूरा एकदम फिनिशिंग के साथ में पूरा कंप्लीट काम हुआ है। तो काम ऐसा करो कि साफ सुथरा लगे, ठीक है। और मेरा वसूल क्या है दोस्तों, कि जो चीज मुझे ना अच्छी लगे, तो मेरी सोच ये है कि ये चीज अगर मुझे अच्छी नहीं लग रही है तो दूसरे को कैसे अच्छी लगेगी। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि ये चीज हमें खुद अच्छी लगनी चाहिए। अब देखिए ना भाई इधर कैमरा लेकर थोड़ा, अब ये देखिए हमारा यहाँ पे ओनली कितना वायर आया, ये एक फेस तीन हाफ, ये तीन वाली स्विच क्लियर, यहाँ पे दो हाफ, ये एक फेस। अब ये फेस हमने यहाँ से देखिए ज्वाइंट मार के दिया हुआ इसके अंदर। अब कभी भी ये हमारी स्विच खराब होगी इसको चेंज करेंगे, ये लाइट हमारी यहाँ की बंद नहीं होगी हमारा फेस, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली जा रहा है यहाँ पर। और ये एसी का हो गया, और ये जो है देखिए सॉकेट हो गया। तो इसी तरह यहाँ पर भी देखिए हमने ज्वाइंट किया हुआ है, ये सॉकेट देखिए यहाँ पर सिंगल थी, तो इसका जो फेस है जो मेन फेस आ रहा है वहाँ पे देखिए हमने सब ज्वाइंट करके दिया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए कहीं कॉपर निकला बाहर, इसी तरह अभी देखिए यहाँ पर हमने सॉकेट नहीं लगाया हुआ है, यहाँ पर देखिए रख दे उधर। देखिए यहाँ पर भी ये सॉकेट का देखिए हमने यहाँ पर ज्वाइंट किया हुआ है, ये देख रहे हैं ना, और यहाँ पर सॉकेट में देखिए। तो ऐसे ही जो है कि हमारा काम होता है मेरे दोस्तों। और यहाँ पर भी देखिए, देख रहे हैं यहाँ पर हमारी दो सॉकेट यहाँ पर लगी हुई है, और यहाँ पर तीन वाली स्विच इधर और तीन वाली इधर, छह स्विच। यहाँ पर देखिए तीन हाफ और एक फेस, और यहाँ पर तीन हाफ एक फेस। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ का फेस हमने देखिए यहाँ से ज्वाइन करके दे दिया है, यहाँ पे सिर्फ हमारा सिंगल फेस आया। और कहीं भी देखिए कॉपर बाहर है तो बताइए, कहीं भी किसी भी सॉकेट या स्विच में ये देखिए कहीं पर है, ये सॉकेट में देखिए कहीं भी हमारा वायर आप बाहर नहीं पाएंगे। यहाँ पर भी देखिए हमने इसे ही ज्वाइन करके देखिए दिया हुआ है, ये सॉकेट जो है इसका फेस वहाँ पर भी जा रहा है। ऐसे ही हम पूरा ज्वाइन करके देते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए कितना फेस आया हुआ था, दो फेस, चार न्यूट्रल यहाँ पर है। और देख लीजिए
सॉकेट में एक ही, कल को सॉकेट खराब हो आप सॉकेट चेंज कर दें, दूसरी सॉकेट बंद नहीं होगी। तो देखे ना मेरे भाई, तो काम ऐसे किया जाता है फिनिशिंग के साथ कि कहीं पे हमारा कॉपर ना निकला हो स्विच के ऊपर, टर्मिनल के ऊपर, और जो है कि एक दूसरे से सॉकेट के अंदर लूपिंग ना हो, ना सॉकेट में ना स्विच में। क्योंकि अगर जो एक दूसरे से लूपिंग रहेगी, तो मान लीजिए ये वाली सॉकेट या स्विच खराब है, इसको जो है कि जब निकालेंगे बाहर तो दूसरी लाइन बंद हो जाएगी, तो फिर फायदा क्या हुआ। इसके लिए काम कभी भी अच्छा करो, सही करो, ताकि जो है कि दूसरे को भी पसंद आए। और मेरे ख्याल से अब आप लोग बताइए कि काम सही हुआ है या कैसा हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाल वाले बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।